एक फकीर था हसन। उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था, एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लड़का। उसकी हंसी ठिठोलियों, प्यारी प्यारी बातों, नटखट हरकतों और बुद्धिमानी भरे कामों से पूरा गांव प्रभावित था। पूरा गांव उस लड़के से बहुत प्यार करता था। हसन भी अपने बच्चे को बहुत चाहता था। लेकिन एक दिन अकस्मात किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। बहुत छोटी उम्र थी उस बालक की, यही कोई 8-10 साल का रहा होगा। उस बालक की अकाल मौत की खबर से पूरा गांव भौचक्का रह गया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, मानो पूरे गांव ने काम करना ही बंद कर दिया हो। पूरा गांव उस बालक को अंतिम विदा देने इकट्ठा हुआ। सारा गांव बहुत उदास था। हसन ने अपने पुत्र के शव को देखा। वह बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आए, बल्कि वह हंसने लगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। उसने कहा, यह कोई सदमा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। यह मेरा इकलौता बेटा था, मैं इससे बहुत प्यार करता था। मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया, जब यह बच्चा नहीं था तब मैं पूरी तरह से खुश था। मैं अकेला था, यह बालक मेरे साथ नहीं था और इसका कोई मोह भी नहीं था। जब यह सालों पहले मेरे पास नहीं था तब मैंने इसे कभी याद भी नहीं किया। अब वह फिर से चला गया, वह फिर से मेरे पास नहीं है। मैं फिर से पहली वाली स्थिति में आ चुका हूँ, मानो जैसे किसी ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया हो, पिता बनने का। जिसने मुझे दिया उसने वापस ले लिया। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उसने अच्छा नहीं किया। लोगों ने पूछा, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? फकीर ने कहा, मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उसका जिसने मुझे वह दिया। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उस बालक का जो मेरे साथ इतने वर्षों तक रहा, मुझे इतना हंसाया, मुझे इतनी खुशी दी। हम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसने जितने भी वर्षों का समय मेरे साथ बिताया, जितनी भी मुझे खुशी दी, मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया, इन सब चीज़ों के लिए मैं उसका आभारी हूँ और इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जब हम दोनों साथ थे तब हम बहुत खुश थे, अब जब वो जा रहा है तो मैं उसे दुखी मन से विदाई क्यों दूँ? बस इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। जहाँ से भी आपको खुशी का कोई स्रोत मिले, खुशी के कुछ पल मिले, उसके लिए आभार महसूस करें। लेकिन ये उम्मीद ना करें कि कल वो खुशी का पल उपलब्ध होगा। यह उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा आप संघर्ष में पड़ जाएंगे। बस वर्तमान में जो भी खुशी के पल हैं उन्हें पूर्णता के साथ जिए, क्या पता कल वो रहे ना रहें। सद्गुरु ओशो भी कहते हैं, सबके प्रति कृतज्ञ रहिए, अपने मन में सबका आभार प्रकट करें। फिर चाहे वो आपके मित्र हों, आपके दुश्मन, अच्छे दिन या बुरे दिन। क्योंकि यदि आपके दोस्तों और आपके अच्छे दिनों ने आपको सहायता और खुशी दी है, तो आपके दुश्मनों व बुरे दिनों ने आपको मजबूत बनाया है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम आभार प्रकट ना कर सकें, क्योंकि हर एक घटना जो कि हमारे आसपास हो रही है उसने हमें व हमारे व्यक्तित्व को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो है वो उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, बल्कि वो उसके पीछे अंधे हो के भाग रहे हैं जो उनके पास नहीं है। जबकि लोगों को चाहिए कि जो उनके पास है पहले उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें, फिर जो नहीं है उसके लिए शांत चित्त व सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें। आप एक बार जो भी आपके पास है रोज उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो चुके हैं, और यह एकदम सत्य है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।